नमस्कार, खटपट न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ हीना। आप देख रहे हैं प्रदेश की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में निवार तूफान का असर देखने को मिल सकता है। गुरुवार की सुबह से प्रदेश में घने बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियरा गांव में पुलिसकर्मियों की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पलवा मामले की जांच करने गए पुलिसकर्मियों के ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई की है। काजू किशमिश से लेकर हम ड्राई फ्रूट्स के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। पिछले साल की तुलना में इस बार ड्राई फ्रूट्स काफी सस्ते में मिल रहे हैं। पिछली बार बादाम मार्केट में 1100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे थे, लेकिन इस बार 800 से 900 रुपए प्रति किलो से मिल रहे हैं। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से चाकू और छुरेबाजी की कई घटनाएं हुई है। इसे देखते हुए रायपुर पुलिस ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अधिकारियों को तलब किया। पुलिस ने राजधानी रायपुर सहित सभी जिले में किसी भी तरह के बड़े छोटे बटन वाले चाकू के ऑर्डर लेने और डिलीवरी करने को बैन करने के निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कोमाखाना के पास नेशनल हाईवे 353 पर गैस से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक टैंकर एसपीएस कंपनी की है और विशाखापट्टनम से राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद जा रही थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खटपट न्यूज के साथ। नमस्कार।